हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सो, आज है सैटरडे मॉर्निंग और यहाँ पर मैंने दलिया बनाने के लिए रख दिया था कुकर के अंदर, और कुकर में ना बिल्कुल भी सीटी नहीं आ रही है। पता नहीं कुकर में क्या ही हो गया है, इसकी शायद रबड़ ख़राब हो गई है। और यहाँ पर साथ में मैंने आज है ना पास्ता बना लिया था, काफ़ी दिनों बाद आज मैंने पास्ता बनाया है। मैंने रखा हुआ था घर में पास्ता, आजकल ये लेकर के आते नहीं थे अनहेल्दी होने की वजह से। मम्मी ने मना कर दिया था कि है ना पास्ता मत लाया करो, लेकिन अभी थोड़ा ना लेकर के आए थे ये इस मंथ, तो मैंने सोचा चलो इसको बना लेते हैं और फिर ना नया मंगा लूँगी मैं नीचे से। तो फिर ना इसलिए मैंने यहाँ पर ना पास्ता बना लिया था। और बना लेने के बाद में पता चला कि सॉस तो है ही नहीं है, क्योंकि हर्षित तो बिना सॉस के पास्ता ना खाता ही नहीं है, टच ही नहीं करता है। तो मैंने नीचे से मंगाई थी तो ये नीचे भी नहीं है। तो फिर ना मैं बड़ा ना उससे निकाल लिया मैंने, दवा दवा करके भाई निकाल लूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं खाएगा नहीं तो। तो मैंने यहाँ पर ना जैसे तैसे करके ना थोड़ी सी निकाल ली थी, और यहाँ पर ना कुकर में सीटी नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि वो वाली गैस छोटी है, शायद इसलिए नहीं आ रही होगी। तो मैंने बड़ी वाली गैस के ऊपर कुकर को रखा है और छोटी वाली गैस पे ना उसको रख दिया था। एक्चुअली वो तो बन ही गया है, तो फिर ना मैं यहाँ पर ना जैसे तैसे मैंने सॉस को निकाल कर ना सीटी के ही ये दलिया बनाए। कुकर ने एक भी सीटी नहीं ली, और इन दोनों को देखो सुबह सुबह। और टेंगे टेंगे इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। कुकर ने एक भी सीटी नहीं ली। हाँ, कैसी बनी? कल सोफे की कवर भी चेंज कर दिए थे थोड़े से, कर दिए थे, लाइट फालतू जल रही थी बंद की है। कल सोफे की कवर भी चेंज करे, लेकिन धोए आधे कल थे, धोए आज आधे है, सूख गए होंगे धूप में से लेकर के आऊँ, रंग उड़ता है। चलो, अरे यही रंग रही। कपड़े ले आऊँ, धूप में रंग उड़ता है फालतू। बैठी हूँ, कथा कर रही थी यहाँ पे भगवत गीता की, और उसके बाद में मैं यहाँ बैठी हूँ आरती करने के लिए। और उठी हूँ तो देखा गेट लग रहा है, बच्चे ना इतने ज़्यादा उद्यमी है ना, ये देखिए सोफे वोफे की हालत में, बोली कि इनको करने दो जो कर रहे हैं ये गेट तो नहीं खोलती क्योंकि हमारे बिल्ली बंदर का डर रहता है, लेकिन पर्दे आदि जो हैं वो मैं खोल देती हूँ दोनों वक्त मिले। कहते हैं कि सुबह के टाइम की पूजा तो गेट खोल बंद करके करनी चाहिए, और शाम की पूजा के टाइम पर गेट खोल देना चाहिए। तो चलिए आरती कर लेते हैं। थाली वाली लगा ली थी मैंने, उठी मैं कथा करके, दीपक जलाया, देखा तो बाहर गेट वेट बंद, मैं बोली चलो तो चलिए आरती कर लेते। तो शाम हो गई है और आज क्योंकि शनिवार है तो सोच रही थी कि खिचड़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं खिचड़ी बना ले रही हूँ, और खिचड़ी में मैं दाल ज़्यादा रखूँगी और चावल कम रखूँगी, इस तरह से बना रही हूँ। और मूंग की दाल भी मैं दोनों तरीके की डाल रही हूँ, छिलके वाली और बिना छिलके वाली। तो यहाँ पर मैंने दाल ले ली थी और चावल ले लिए थे, और जब भी मैं कोई भी डब्बा निकालती हूँ तो दाल या चावल जो होती है ना उसको फिर हिला करके और फिर रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि नमी नहीं आती है और कीड़े नहीं लगते हैं। जैसे कि वैसे तो मैंने इसके अंदर तेज पत्ता डाल रखा है, तेज पत्ते को इस तरह से बंद करके और फिर इसको इस तरह से हिला करके और फिर रखती हूँ। तो यहाँ पर बस बीन ले रही हूँ, और बीन करके धो करके और खिचड़ी को चढ़ा दूँगी। अभी फिलहाल मैं ना यहीं पर ही बैठ गई हूँ बालों में ऑयलिंग करने के लिए। बाल है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई हो रहे हैं। सोचती हूँ कि हर सैटरडे को है ना, मतलब संडे को सिर धोती हूँ तो हर सैटरडे को ऑयलिंग कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। कर लूँगी के चक्कर में पूरा दिन बीत जाता है, और साथ में ना खर खर की आवाज़ तो आ ही रही होगी क्योंकि अब गर्मी हो गई है ना, तो पंखे भी चल रहे हैं, और बिना पंखे के ना एक मिनट भी बैठा नहीं जाता। और मैं ना इसी तरह से ऑयलिंग करती हूँ। जब मेरी शादी नहीं थी ना तब तो मैं जब भी सिर धोती थी तभी करती थी, और मेरे बाल ना इतने सिल्की हुआ करते थे, मैं वो क्या ही बताऊँ। अब तो मेरे बाल कुछ भी नहीं है,
मतलब एकदम स्ट्रेट रहते थे, बिना किसी पार्लर के गए हुए, और एकदम इतने सिल्की रहते थे कि सब लोग पूछते थे कि कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। ये वाला शैम्पू का कमाल नहीं है ये, वैसे ही है। हर संडे को ना लगा, मतलब हर संडे को मैं अपना सिर धोती हूँ, वो देख लेती हूँ तिथि, अगर जैसे एकादशी है या फिर अमावस्या या पूर्णिमा है तो नहीं धोती हूँ, अदरवाइज तो मैं संडे को ही धोती हूँ, क्योंकि हर्षित का रहता है ना, और मंडे से अब हर्षित का स्कूल भी खुल जाएगा, तो वापस से कोई भागम भाग, सुबह 4 बजे उठो, कम से कम 4:30 बजे तक तो उठना ही पड़ेगा। और जिस दिन छोले भटूरे की बोल देगा, ऐसे कुछ हैवी मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग वाला उसकी बोल देगा, तब तो फिर 4 बजे ही उठो, और ये सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आराम से उठते थे हम 5:30 बजे तक, वही 4:30 से उठना पड़ेगा। ये वाला प्लांट ना फेक है, बट ना इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि एकदम रियल प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है, मेरा तो फेवरेट है ये। 2 प्लांट मंगाए थे, एक ये वाला और एक अंदर लगा हुआ है भगवान की माँ का, तो हर्षित के पापा को, हर्षित को, दोनों को वो वाला प्लांट अच्छा लगता है, बट मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ये एरिका प्लांट मेरा शुरू से फेवरेट है, ये एरिका प्लांट है। और झिंगर की घूंघू आ रही है आपको? वो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पर है, भगवान जाने। ऑयलिंग करके चिपको चिपको बन गई हूँ। यार बाल थोड़े से सही हो जाए और क्या है, इतने पतले पतले से बाल हो गए। पहले जब मैं स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम पे ऐसी 2 चोटियाँ बन जाती थी, इससे भी मोटी मोटी, और अब तो सारे बाल पता नहीं कहाँ ही चले गए। ऑयलिंग तो मैं हमेशा से ही है ना सरसों का, बालों में तो मैं हमेशा से सरसों का तेल ही लगाती हूँ। और क्योंकि आज शनिवार था तो ये सांबरानी कप में जलाती हूँ, और मुझसे किसी ने कॉमेंट करके पूछा था आप किस में जलाते हो, तो मैं इस तरीके के एक दिए में जलाती हूँ, और फिर फ्लो वाटर होता है, मतलब कि तो फ्लो वाटर में ही मैं इसे प्रोवाइड कर देती हूँ इस तरह से, और इसको धो लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी जो होती है ना वो सबसे शुद्ध मानी जाती है, इसलिए मैं इस तरह से जला करके इसे फ्लैश कर देती हूँ बहते पानी में, और जो प्लेट होती है इसमें मांज दूँगी। तो इस तरीके से करती हूँ मैं इसको हर सैटरडे को, और या फिर मावस को, हर सैटरडे को तो खैर नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट करती हूँ, क्योंकि आ गई है गर्मियाँ, तो यहाँ पर ना बोतलों का भी सामान आ गया, माल आ गया है मतलब, तो दुकान में, तो वैसे तो हमारी ना किचन अप्लायंसेस की है, लेकिन है ना जो भी चल रहा होता है सीजन वो उसका सामान भी हमारी दुकान में मिलता है, तो बस ये माल आया था, तो मैं बच्चों से ही ना रखवा रही थी इस पूरे सामान को। बच्चों की जितनी भी एनर्जी है ना सारी की सारी मैं यूज़ में ले रही थी, और मेरे पास कमेंट आया था कि आप है ना इतनी टाइट तुलसी माला कैसे पहन लेते हो, तो टाइट मतलब इतनी टाइट नहीं है, और कमेंट था कि ना मैं तो पहन भी नहीं सकती हूँ। तो पहनने का तो यह है कि पहले मैं भी यही सोचती थी कि मेरा तो आपको पता है कि जब बीपी लो होता है तो मुझे तो कुछ भी नहीं भाता, मैं कहने के और चूड़ी वूड़ी सब उतार देती हूँ, और तो ये तो कितनी, तो फिर ये तो है ना बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो मैं ना लेकिन है ना भगवान की कृपा मानिए या कुछ भी मानिए, काफ़ी दिनों से पहनी हुई है, वैसे तो मैंने ढीली पहन रखी थी स्टार्टिंग में, तो मुझसे नहीं पहनी गई तो, और मैं उसको उतार नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर मैंने ना इसको थोड़ा सा टाइट मैंने अब करा है कि अब थोड़ा सा टाइट करके पहन लेती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगेगा घुटन सी तो मेरे पास और तुलसी माला है, तो फिर मैं वो चेंज कर लूँगी, तो मैंने इस तरह से करके रखा, क्योंकि जो कंठी माला, इसको कंठी माला भी बोलते हैं, तो कंठ से लगी हुई होनी चाहिए, तो इसलिए इधर ही पहनो तो ज़्यादा अच्छा होता है, फलदायी होता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही पहनती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखूँगी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
लाइक जरूर कर दिया कीजिए है ना, और कमेंट भी आप जरूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक का और कमेंट्स का मुझे हमेशा ही वेट रहता है, क्योंकि कमेंट्स तो देखिए कमेंट्स के थ्रू ही मैं आपको जान पाती हूँ। वैसे तो मैं आपको जान भी नहीं पाती हूँ कि कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है और कौन नहीं, तो कमेंट्स जरूर किया कीजिए, आपके कमेंट्स का वेट रहता है। और लाइक जरूर कर दिया कीजिए, हम लोग इतनी जो मेहनत करते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं, घर के काम करते हैं, उसके साथ में तो एक थम्स अप तो बनता ही है ना हमारी मेहनत को, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।